हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोब में आपका स्वागत है। तो आज हम बाकी के नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के नेशनल पार्क कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। बहुत ही छोटे छोटे नेशनल पार्क है, जल्दी कवर हो जाएगा। देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क, और जितनी मैं नेशनल पार्क की इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ बस उतनी इनफ है। इसके ज्यादा आप मत घुसना, ठीक है? इससे ज्यादा आप मत पढ़ना इन नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है। तो पहला हम देखेंगे पिन वैली नेशनल पार्क। देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है स्पीति वैली में, जो कि लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, पिन वैली नेशनल पार्क जो है स्पीति वैली में लोकेटेड है। कहाँ पे? लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे ज्यादातर आपको अल्पाइन ट्रीज, ग्रोव्स ऑफ हिमालयन सेडर, ये सब देखने को मिलेगा। और समर में यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स भी देखने को मिलेगी, जैसे हिमालयन स्नो कॉक, चूकर पार्टरेज, स्नो पार्टरेज, फिंचेस एंड चॉक्स, फ्लोरी, ये सब पार्क में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इंदर किला नेशनल पार्क। देखिए, इंदर किला नेशनल पार्क जो है ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और इसको स्टैब्लिश करवाया गया था 2010 में। इसका एरिया जो है 104 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, बहुत ही छोटा सा नेशनल पार्क है। और ये नेशनल पार्क लोकेटेड है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये फिर से बोल दे रहा हूँ, ये नेशनल पार्क जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब हम तीसरा देखेंगे, जो कि है खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था 2010 में। 2010 में इस नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया गया। देखिए, खीर गंगा नेशनल पार्क जो है ये भी कुल्लू में ही लोकेटेड है, और ये इतना खूबसूरत नेशनल पार्क है कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्क में से एक पार्क ये खीर गंगा नेशनल पार्क है। तो जब भी यार आईएएस आईपीएस या मतलब अपना जो भी मनपसंद जॉब निकाल लेना, तो आप जरूर इन नेशनल पार्क में विजिट करिएगा, आपको एकदम बहुत ही मजा आएगी। ठीक है, और इस नेशनल हिमाचल के जितने भी नेशनल पार्क है उसमें जरूर जाना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ही हमारा बहुत ही खूबसूरत है। और इसका एरिया जो है वो 710 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, थोड़ा बड़ा है यार ये नेशनल पार्क। ठीक है, तो इतना आप इसकी लोकेशन याद रखना, और 710 स्क्वायर किलोमीटर में फैला। तो अब हम देखेंगे सिम्बल बारा नेशनल पार्क। देखिए, सिम्बल बारा नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पाउंटा वैली में। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पाउंटा वैली में लोकेटेड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे आपको साल फॉरेस्ट और ग्रासी ग्लेस के साथ दिखाई देंगे। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, और इसको क्रिएट किया गया था 1958 में। कैसे? इसको पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर इसको क्रिएट किया गया था, और इसका एरिया जो है 19.03 किलोमीटर के स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ठीक है, नहीं, 19.03 किलोमीटर में फैला हुआ है इसका एरिया। और 2010 में 8.88 किलोमीटर जो था इसमें और ऐड किया गया है, और इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। और अभी इसका टोटल एरिया जो है 27.88 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे पेरिनियल स्ट्रीम्स भी देखने को मिलेंगी वैली में। अब हम देखेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। देखिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है कुल्लू रीजन में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कुल्लू रीजन में ये नेशनल पार्क जो है लोकेटेड है। इस पार्क को स्टैब्लिश किया था 1984 में, और इसका एरिया जो है 1171 किलोमीटर में फैला हुआ है, और 1500 से लेकर 6000 की हाइट पर है ये नेशनल पार्क। और जून 2014 में इस नेशनल की लिस्ट में आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है ये नेशनल पार्क। अब हम देखते हैं फौना, देखते हैं एनिमल्स आपको यहाँ पे, जैसे कि ब्लू शीप, स्नो लेपर्ड, हिमालयन ब्राउन बियर, हिमालयन तहर, मस्क डियर, ये सब आपको यहाँ पे जानवर देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों हमने देखा हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। तो दोस्तों अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क। देखिए, सबसे पहले दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क का एरिया जो है वो 490 किलोमीटर है, जिसमें से 190 किलोमीटर जो है वो बफर जोन है, और ये दुधवा टाइगर रिजर्व का पार्ट है। लोकेशन आप इसकी देखिए, ये लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, और इसके उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर आरक्षित वन क्षेत्र है। फिर से बोल दे रहा हूँ, ये लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, और इसके उत्तरी और दक्षिणी किनारों पर आरक्षित वन क्षेत्र है। ठीक है, तो ये देखिए दुधवा नेशनल पार्क का मैप है। यह है दुधवा नेशनल पार्क आपका, ये आपका दुधवा नेशनल पार्क है, और ये 490 किलोमीटर में फैला हुआ है नेशनल पार्क, और 190 किलोमीटर जो है इसका बफर जोन में आता है। अब देखते हैं एनिमल्स आपको यहाँ पे, जैसे स्वैम डियर, सांबर डियर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, हॉक डियर, स्लॉथ बियर, रेटेल जकल, सिवेट्स, जंगल कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड्स, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, बर्ड जैसे कि स्वैम फ्रैंकोलिन, ग्रेट स्लॉटी, वुडपैकर, बंगाल फ्लोरिकन, पेंटेड स्टॉक्स, सारस क्रेन, एशियन बार्बेट, वुडपैकर, मिनी बैट्स, ये सब आपको यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे इंडेंजर्ड व्हाइट रम्ड वल्चर भी देखने को मिला है हम लोग को। ठीक है, इसको भी यहाँ पे देखने को देखा गया है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क हमने देखा, दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे। अब हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क, जो कि हमारी यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूटी है। अब इसके नेशनल पार्क हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है सलीम अली नेशनल पार्क।
ठीक है। देखिए सलीम अली नेशनल पार्क जो है, इसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये लोकेटेड है श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में ये लोकेटेड है। और ये इसका जो, ये खाली 9 किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत ही छोटा सा नेशनल पार्क है यार, ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको जानवर कौन कौन सा देखने को मिलेंगे, हंगूल है, मस्क डियर है, हिमालयन ब्लैक डियर है, लेपर्ड है, हिमालयन सेरो है, और यहाँ पे 70 स्पीसीज बर्ड्स की देखने को मिलेंगी, जिसमें से आपकी पेराडाइज फ्लाई कैचर, हिमालयन मोनल, हिमालयन स्नोकॉक, ये सब आपको यहाँ पे बर्ड देखने को मिलेंगी। अब हम देखेंगे डचिकम नेशनल पार्क। सबसे पहले इसका मैप देखिए, देखिए डचिकम नेशनल पार्क जो है ये श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर पर लोकेटेड है, और ये प्रोटेक्टेड एरिया है, 1910 से ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, और 141 किलोमीटर में फैला हुआ है ये नेशनल पार्क। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो मैंने बता दिया ना श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है ये, और इसका एरिया जो है 141 किलोमीटर है, ये प्रोटेक्टेड एरिया है 1910 से, ठीक है, 1910 के बाद से ही ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। और श्रीनगर सिटी को यहीं से पानी का पीना, पानी पीने पीने का पानी सप्लाई होता है, ठीक है। इसको अपग्रेड किया था और डिक्लेयर किया था नेशनल पार्क के तौर पे 1981 में। मैप देख चुके हैं, अब हम देखेंगे डचिगम नेशनल पार्क जो है, लोकेशन आप इसका देखिए, देखिए ये वेस्टर्न हिमालयास के जबरवा रेंज में लोकेटेड है। फिर से बोल दे रहा हूँ, वेस्टर्न हिमालयास के जबरवा रेंज पे लोकेटेड है ये, और ये 5500 से लेके 14000 फीट की हाइट पे लोकेटेड है। एनिमल्स देखिए, यहाँ पे मस्क डियर, लेपर्ड, हिमालयन सैरो, कश्मीर ग्रे लंगूर, कश्मीर स्टैग, लेपर्ड कैट, हिमालयन ब्लैक डियर, हिमालयन ब्राउन डियर, जैकॉल, हिल फॉक्स, हिमालयन वेसल, येलो थ्रोटेड मार्टिन। बर्ड देखिए, सिनामोन, स्पैरो, ब्लैक बुलबुल, हिमालयन मोनल, गोल्डन ओरियोल, मिनीवेट, पिग्मी, आउलेट, वुड पैकर, बेबलर, रेड स्टार्ट। रेड स्टार्ट के बारे में क्वेश्चन भी पूछा गया था। वकटेल, कुकलास, फिजेंट, कॉफ, चौफ, ऑरेंज, बुलफिंच, कश्मीर फ्लाई कैचर, टाइटलर्स, लीव वॉर्बल वॉर्बलर, स्ट्रीट लाफिन ग्रस्ट, हिमालयन रबी थ्रॉट, ये सब आपको यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। अभी देखिए मैं स्पीशीज की भी एक सीरीज लेके आऊंगा, लेक्चर लेके आऊंगा, पहले ये नेशनल पार्क की बात दो चार दिन में खत्म कर देंगे पूरा, तो हम एक स्पीशीज का पूरा कवर करवाएंगे, तो आपको इतनी सारी स्पीशीज पढ़ने जरूरत नहीं है, याद ही नहीं रख पाओगे, बिल्कुल भी दिमाग से उतर जाएगा, याद ही नहीं रख पाओगे, ठीक है। तो जो मैं जो जो स्पीशीज आपको बताऊंगा वो आप देख लेना, बस उतनी मोर देन इनफ होगी यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो ये हमने दोस्तों देखा डचिगम नेशनल पार्क, अब हम देखेंगे किश्तवाड़ नेशनल पार्क। देख किश्तवाड़ नेशनल पार्क है जो है ये लोकेटेड है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये नेशनल पार्क। बाउंडेड देखिए कहाँ कहाँ से, ये नॉर्थ में रिन्ने रिवर से बाउंडेड है, साउथ में ये किबर नाला कैचमेंट से बाउंडेड है, ईस्ट में ये ग्रेट हिमालय से बाउंडेड है, और वेस्ट में ये मारवा रिवर से बाउंडेड है। एनिमल्स देखिए, एनिमल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हिमालयन स्नो कॉक और ब्राउन बियर, ब्राउन बियर आपको देखने को मिलेगा, हिमालयन स्नो कॉक जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यही दोस्तों नेशनल, यही दोस्तों हमने देखा, हमने कवर किए नॉर्थ इंडिया की सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब बाकी बचे कुछ स्टेट्स के हम नेशनल पार्क कवर करेंगे, उसके बाद हमारी नेशनल पार्क की सीरीज जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अगले लेक्चर के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।